उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 15 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। उसके संभावित उत्तर, तो ये तीसरा पार्ट है जिसमें प्रश्न 100 से 120 तक। सवा प्रश्न है कि लारेंज वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लारेंज वक्र आय वितरण में असमानता की एक माप है, ये सत्य है। और लारेंज वक्र और समानता रेखा के बीच में जितनी अधिक दूरी होती है, वितरण में असमानता उतनी ही अधिक होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन सत्य हैं और सही उत्तर है इसका सी, 1 और 2 दोनों। 101 वाला प्रश्न है कि यदि वितरण सामान्य है तो उसमें क्या स्थिति होती है। सामान्य वितरण में पहली कंडीशन कि समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक समान होते हैं, और इसमें चतुर्थक विचलनों का जो अंतर होता है वो भी बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2 शर्तें सही हैं। 102, एक घटिया वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र और एंजल वक्र होते हैं, ये इसके ऋणात्मक होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, ऋणात्मक रूप में ढलान लिए होते हैं। 103 है कि त्वरक निकट रूप से संबंधित है। त्वरक का संबंध विदेशी व्यापार से नहीं है, बेकार पड़ी क्षमता से नहीं है, प्रेरित निवेश से नहीं है, इसका संबंध स्वायत्त निवेश से है। तो 103 का सही उत्तर है वो है बी। 104 है कि किसके द्वारा प्रतिचक्री कंट्रा राजकोषी नीति, राजकोषी नीति 1930 की महान मंदी के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से उसकी व्याख्या जो की वो जेएम केन्स ने की। तो राजकोषी नीति को प्रसिद्ध करने का जो काम किया वो केन्स के द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर है सी, जेएम केन्स। 105 है कि कौन सी लागत दशाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब लागतों में समान अंतर होता है तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी। 106 है कि पॉइसन बंटन का चतुर्थ परिघात होता है, तो उसका सूत्र होता है यम ब्रैकेट में एम प्लस 3। तो इसको खोल देंगे यदि ब्रैकेट तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो 3m² + m। तो इसका सही उत्तर 106 का ए। इसी प्रकार से 107 प्रश्न है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो फिलिप्स वक्र प्रारूप के अनुसार यदि सरकार अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती तो इसमें अल्पकाल में बेरोजगारी घटती है। 107 का जो सही उत्तर है वो है ए, अल्पकाल में बेरोजगारी घटेगी। 108 प्रश्न है कि इसमें 2 सूची दी गई हैं, इसका मिलान करना है। तो ए सूची में है हेरड, बी सेलो, सी जॉन रॉबिन्सन और डी डोमर। तो इसमें जॉन रॉबिन्सन का संबंध स्वर्ण युग से है और सी का जो 2 है ये केवल एक ही दिया गया है, बड़ा साधारण सा है इसका लॉजिक। तो इसका सही उत्तर है बी, 4-3-2-1। तो इसका जो इसके संबंध बनेंगे जाकर के हेरड का तथस्थ तकनीकी परिवर्तन और सोलो का जो होगा वो संबंध होगा तथस्थ तकनीकी परिवर्तन जिसके अंतर्गत श्रम उत्पाद अनुपात स्थिर रहे, और डोमर का संबंध सिग्मा प्रभाव से है और जॉन रॉबिन्सन का संबंध जो है वो स्वर्ण युग से है। 109 है कि शैमुलसन के सार्वजनिक व्यय के शुद्ध सिद्धांत का संबंध, तो इसका संबंध जो है वो आय और संपत्ति के वितरण से है। एक तो सही उत्तर है ए। 110, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच पूर्णतया लोचदार है, पूर्णतया लोचदार का अर्थ हो गया कि यदि उसमें कीमत में कुछ प्रतिशत की वृद्धि होती है तो मांग में बहुत अधिक कमी हो जाएगी, तो इस कारण से यदि टैक्स लगाया जाता है तो संपूर्ण भार विक्रेता स्वयं सहन करता है क्योंकि वस्तु की मांग बहुत तेजी से गिर जाने की संभावना होती है। तो इसका जो सही उत्तर है 110 का वो है डी, संपूर्ण कर का भार संपूर्ण भार विक्रेता पर होगा। 111 है कि एक बंद अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश फलन नीचे दिए गए हैं। बचत दी गई है -20 + 0.4y और निवेश दिया गया है
20 प्लस 0.2 आई। और इक्विलिब्रियम की स्थिति में क्या स्थिति होगी, तो इसका सही उत्तर है ए 140। 112 में है कि एमएसपी गेहूं का, तो 1975 रुपये गेहूं का एमएसपी था, तो 112 का सही उत्तर है डी। 113 है कि निम्नलिखित में कौन सा सांख्यिकी की माप सभी प्रेक्षणों पर आधारित है। तो हम जानते हैं कि विस्तार केवल न्यूनतम और अधिकतम, बहुलक में भी जो अधिकतम मूल्य होता है वो, चतुर्थक विचलन भी दो भागों में विभाजित करता है, केवल एक हरात्मक माध्य है जो सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। 114 है कि भारत के वित्त आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, केंद्र और राज्यों के मध्य कर जनित आय को बांटना। दूसरा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान प्रदान करना। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, एक और दोनों इसकी जो शर्तें हैं, कथन हैं, ये सही हैं। 115 है कि कीमत विभेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसके दोनों तर्क जो हैं, कथन हैं, वो दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर 115 का सी, एक और दो दोनों। 116 है कि वह सिद्धांत जिसमें असमान कर चुकाने की क्षमता वाले व्यक्तियों पर असमान रूप से कर लगाया जाता है, तो ये कर दे क्षमता की ओर इशारा करता है। तो इसका सही उत्तर है ए, कर दे क्षमता। 117 है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, विषमता प्रतिक्रमण का माप करती है और प्रतिसूर्त जो प्रतिशीर्षत्व है आवृत्ति वितरण के ऊपरी भाग। तो इसका सही उत्तर है संभावित, वो है ए, एक सौ अठारवा है कि एक थैले में चार सफेद, दो काली, तीन पीली, तीन लाल गेंदे हैं। कोई एक ड्रा किया जाता है जिसमें सफेद और लाल गेंद, तो उसमें सफेद और लाल इसका योग हो जाएगा 7 और टोटल का जो योग है वो है 12। तो इसका सही उत्तर है डी, 7/12। भारत में उच्च शक्ति मुद्रा 119 है कि का निर्गमन कौन करता है। तो हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा उच्च शक्ति मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। तो 119 का सही उत्तर है ए। 120 है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेजरी बिल की मियाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो हम जानते हैं कि भारत में 91 दिन के, 182 दिन के और 364 दिन के अल्पकालीन ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प जो इसमें नहीं है वो है 728। तो इस प्रकार से 120 का सही उत्तर है डी, 728।